एक इस तरफ आप कह लें कि जैसे पेंडुलम होता है ना, अच्छा जे बंदे को ना टेंशन लगी होती है, वो कहता है यार उन्होंने आना है, पी बंदा कहता है आ जो आ लैन दो वेख लांगे। अच्छा ये जो दिमाग है हमारा, इसकी भी कुछ डायमेंशन ऐसी है, ये हर सेकंड पे अपडेट होता है। आप इस क्लास में आने से पहले कुछ और थे, विसमरीन की क्लास लेने के बाद कुछ और थे, अभी आप जो सुन रहे हैं कुछ और होंगे, और सेशन के एंड पे आप कुछ और होंगे। हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं, और अभी तक आपने जो कुछ सीखा मैडम अमरीन से वो भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। लेकिन ये जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, ये हमारी रिसर्च है। डॉक्टर कमरुल हसन तैयार साहब जानते होंगे, तैयार साहब हमने इसको मोल्ड किया फॉर टीचर्स। एक MBTI जनरल MBTI थी, हमने उसको टीचर्स के लिए लेके आए हैं कि टीचर्स इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं और पर्सनैलिटी असेसमेंट टीचर्स कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने साइकोलॉजिस्ट लफ्ज़ सुना होगा इससे पहले, तो क्या जहन में आता है? मुल्तान में एक साइकोलॉजिस्ट के साथ कुछ 2-3 लफ्ज़ लग जाते हैं, जैसे वेटनेरियन के साथ डंगर डॉक्टर का लफ्ज़ लग जाता है, तो साइकोलॉजिस्ट के साथ कौन सा लफ्ज़ लगाते हैं आप लोग? पागलों का डॉक्टर, और ये कहा जाता है ये खुद भी पागल होते हैं, ऐसा ही। और ये भी कहा जाता है कि ये लोगों का दिमाग पढ़ लेते हैं। ठीक, मैं किसी तरफ से आपको पागल तो नहीं लग रहा? नहीं, इट्स मीन के वी कैन प्रोसीड थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये है कि इसके साथ साथ एक आधी किताब भी है, और वो बच्चों पे थी, वो स्टूडेंट्स पे थी, और चूंकि आज का टॉपिक 20 स्टूडेंट्स हैं, तो उससे पहले हम लोग ज़रा अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। अच्छा, ये 6 किताबें जो मैं शाह साहब और डॉक्टर कमरुल हसन साहब हम मिल के इसको कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसी साल मिड तक ये 6 किताबें मार्केट में होंगी। ये भी टीचर्स के लिए, ये भी टीचर्स के लिए, ये भी टीचर के लिए, ये हर घर में चल सकती है। रिश्तों के नफ्सियात फीमेल्स के लिए बहुत मौजू, और लीडरशिप पे तैयार साहब ये किताब आपने ज़रूर पढ़नी है, और कैरियर पे सबसे हमारी लेंथी बुक जो है वो कैरियर पे, कि पर्सनैलिटी टाइप कैरियर के बारे में क्या कहती है, कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो कैरियर आप एक्सट्रोवर्ट वाला चूज़ नहीं कर सकते। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बहस अभी हम शुरू करेंगे। अच्छा, ये कुछ सारे ना साइकोलॉजी के हैं, आप लोगों ने यहाँ तक लिमिटेड किया हुआ है हमें, क्लिनिकल साइकोलॉजी, पागल होते हैं ये, तो ये करते हैं पागलों का इलाज, बाकी जो हैं वो ठीक होते हैं। अच्छा, हमारी जो डिस्कशन है वो यहाँ पे है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कि 20-25 मिनट में हमारी गुफ्तगु ख़त्म हो जाए। अच्छा, आपने 2 काम करने हैं, जब ये 25 मिनट की डिस्कशन एंड होगी तो आपने एक तो अपनी पर्सनैलिटी निकालनी है, दूसरा मेरी निकालनी है। ठीक है, तो ये अब एक चैलेंज है, और होपफुली मुल्तान के लोग, शाकिरशुदा आबादी का एरिया इस काबिल मैं समझता हूँ कि वो कर सकते हैं, तो अल्लाह हैर करे, बिस्मिल्लाह। अच्छा, टोटल ना जैसे आप डॉक्टर को जानते होंगे MBBS करके 5 साल, उसके बाद कई ऐसे मसले आ जाते हैं उन्हें नहीं पता होते। ठीक है, अच्छा हार्ट में स्पेशलाइजेशन करके ऐसे मसले पता चल जाते हैं दिल के, जो उन्हें नहीं पता होते। तो इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है कि 10-12 साल पढ़ने के बाद इतना सा दिल होता हमारा, वो भी समझ में नहीं आता। एक तो वो दिल है ना जो हम दे देते हैं, वो वाला नहीं, जो चल रहा होता उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी समझ में नहीं आता। अच्छा, ये जो दिमाग है हमारा, इसकी भी कुछ डायमेंशन ऐसी है, ये हर सेकंड पे अपडेट होता है। आप इस क्लास में आने से पहले कुछ और थे, विसमरीन की क्लास लेने के बाद कुछ और थे, अभी आप जो सुन रहे हैं कुछ और होंगे, और सेशन के एंड पे आप कुछ और होंगे। अच्छा, पर्सनैलिटी असेसमेंट तकरीबन पिछले 200 साल से चल रही है, और कोई 2500 पर्सनैलिटी टेस्ट ऐसे हैं जो कि सिर्फ आपकी साइकोलॉजी, आपके बिहेवियर उसको समझने के लिए वो काम करते हैं, लेकिन कोई भी सिंगल टेस्ट ऐसा नहीं है जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को कवर कर सके। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये आपकी नेगेटिव साइड ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्कस नहीं करता, ये सिर्फ आपकी 4 पॉजिटिव डायमेंशंस को कवर करता है, और वो चारों आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। ये इसका नाम है MBTI, माइज ब्रिग्स। पढ़ सकते हैं ना, टीचर ही है ना सर सारे? बिल्कुल ठीक, आप भी टीचर हैं? अच्छा ठीक हो गया, अच्छा आपको ठीक हो गया। माइज ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ये बेसिकली उन 2 लोगों के नाम हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया था, इस टेस्ट को, इस असेसमेंट को, और ये वो सारे कोड हैं जो इस वक्त वो जो पेज आपको दिया गया है उसके ऊपर लिखे हुए हैं। ये कोड आपको अगले 20 मिनट के डिस्कशन के बाद समझ में आ जाएंगे। फिर हमने इन कोड से काम क्या लेना है,
वो हम अगले 5 मिनट में देखेंगे। ये हमारी जिन 4 डायमेंशंस की मैं बात कर रहा था, एक इस तरफ आप कह लें कि जैसे पेंडुलम होता ना, यहाँ पे जा गया और फिर उसके बाद दूसरी तरफ, तो ये 4 एक्सट्रीम्स हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट सेंसर्स इंट्यूटिव थिंकर फीलर जजर और परसीवर। ये स्लाइड बहुत बल्कि हो जाएगी, आगे चलते हैं, इन्हीं को भी पढ़ेंगे। ये 2 लफ्ज़ आप में से किस किस ने पहले ही सुने हुए हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट? क्या सुना हुआ है? वो बंदा बड़ा इंट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट शाय। और एक्सट्रोवर्ट कैसे होते हैं? चुप ही नहीं करते जी, सोशलिज्म, चुप ही नहीं करते यार तेनू कहानी सुना। अच्छा ये कौन बोलेगा यार तेनू कहानी सुना, यार तेनू पता कल की होया? ये एक्सट्रोवर्ट, ये एक्सट्रोवर्ट का माइंडसेट है। और जो चुप करके सुनेगा वो कौन होगा? इंट्रोवर्ट। तो ये हमारी पहली डायमेंशन है। इंट्रोवर्ट सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, ये दूसरों पे अगर इन्हें बातचीत ना करें इन्हें कोई कुछ नहीं होता। एक्सट्रोवर्ट बात ना करें पेट में दर्द शुरू, दे नीड समवन टू कम्युनिकेट, उनके पास कहानियाँ होती हैं सुनाने के लिए। तो ये वो लोग होते हैं जो बोर नहीं करने होने देते आपको, आपके साथ बैठे हैं ना, आप नहीं भी सुनना चाह रहे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखें ना ये ऑब्जर्वेशन है, इस पर तालियाँ बनती। हाँ और सुना की हाल है, फ़ोन करके और सुना, इसका जवाब नहीं मिला अभी तक। क्या मतलब, क्या कहाँ से शुरू करें? ऐसे ही है। तो एक्सट्रोवर्ट कहीं मिल जाए तो दुआ किया करें अल्लाह आपके कान सलामत रखे। अच्छा इंट्रोवर्ट ये सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, इनको किताबें पढ़ना, इनको गेम्स खेलना, हाँ हाँ ये लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, बाकी हर चीज़ में कंफर्टेबल होते हैं। कुछ भी ऐसा जो इनकी ज़ात तक महदूद है उसमें खुश है। कहीं भी लोग आ गए आप इन्हें शादी में कहीं दरमियान में खड़ा कर दें, पसीने छूट जाएंगे इनके, परेशान हो जाएंगे, यार कितने लाए हैं मैनू कहा लाइए वापस। अच्छा सेकंड, सेंसर्स एंड इंट्यूटिव। सेंसर वो लोग होते हैं जो डिटेल पे फोकस करते हैं। आप में से कोई बंदा इस कमरे में इंटर हुआ, उसने देखा अच्छा सामने किताबें लगी हैं, 1, 2, 3 ऐसी लगे ने, वो पीछे कड़ी लगी है, 3 कैमरे लगे ने, ठीक है माशाल्लाह अच्छा कमरा है। ये सेंसर्स का माइंड सेट होता है, वो आते हैं वो डिटेल देखते हैं, अच्छा कुर्सियाँ ठीक ने बेहतर रहे, ठीक है। जो दूसरी एक्सट्रीम है ना वो डिटेल पर नहीं जाती, इंट्यूटिव लोग वो आते हैं क्या सीखने आए हैं आज, वो इमेजिनेटिव क्वेश्चनिंग करते हैं अपने आप से, यार आज हम क्या सीख के जाएंगे। ये शायर मिजाज लोग होते हैं। आप वैसे पसंद है किसी को शायरी? नहीं, आप लोग वाकई शाकिर शुजाबादी के एरिया से हैं ना, जेडे दीवाना साहब से दे दे। अच्छा तो अच्छा फिर ये इमेजिनेटिव, जैसे न्यूटन, जैसे आपका और कौन सा साइंसदान था, आइंस्टाइन और टेस्ला, एडिसन। हाँ अब ये इंट्यूटिव लोग बहुत कम होते हैं, सेंसर्स की तादाद भरी पड़ी है हमारे माशरे में, हर तरफ ही सेंसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इंट्यूटिव लोग बहुत कम होंगे। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट की समझ आ गई कौन क्या है, 80-20% कह सकते हैं। बट सर ज़्यादातर जो इनकी पर्सनैलिटी टाइप्स हैं ना, अभी मैं कार्ड दूंगा आपको, उसमें लिखा है ये 1% पाए जाते हैं, 2% पाए जाते हैं, 3% पाए जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। ये इंडिजिनस स्पीशीज हैं, आप ऐसे बायोलॉजी पढ़ा जो सेंसर है ये रियलिटी पे बिलीव करते हैं जी, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। आप इन्हें कोई शेर सुनाओ ना ऐसा जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हो, कुछ फारसी का उर्दू का, जिन्हें समझ में भी आ जाए, ये पसंद नहीं करेंगे। अभी अभी की बात करो यार, अभी कहाँ है। अच्छा फिर ये फिक्शन कम पढ़ते हैं सेंसर्स लोग, इन्हें फिक्शन उतनी पसंद नहीं आती जितनी ही काम बंदे को, कहानी चल रही है ठीक है। अच्छा जी दिल और दिमाग वाले, अब मैं कहता हूँ फीमेल ज़्यादा एफ होती हैं, मेल ज़्यादा टी होते हैं, ठीक क्यों होते हैं ये बताएं? एक्सपेक्टेशंस की वजह से और नहीं है, जरूरी तो नहीं है। नहीं मैं वैसे एक बात करूँ, हर चीज़ को सोच के करते हैं ना, मैं भी नुकसान किया है, इसको देख के कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अक्सरियत जो मैंने फीमेल्स की देखी है दे आर फीलर्स। अच्छा फीलर्स कौन होते हैं जो हमेशा दिल के सुनते हैं, 80-90%
पीपल ओरिएंटेड लोग, ये क्या करते हैं, ये अगर आपको, इनके पास 5,000 रुपये है ना, और इनको 5,000 रुपये खुद चाहिए और आपने मांग लिए कि आपको दे देंगे, ठीक है, जो थिंकर होगा वो नहीं देगा, नहीं। अच्छा, इसमें सेल्फिश वाली बात नहीं है, ये इनका माइंडसेट होता है, हाँ। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ लड़के थिंकर होते हैं, इन्हें बेचारे थे मसले ही इन्ने होंगे ने, पैसे पूरे करने होंगे ने, इधर भी दे दिए उधर भी दे दिए। अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा कटौती अपने आप की करते हैं, कोई नई चीज़ लेनी हो नहीं लेते, ठीक है, तो वो हिसाब किताब चल रहा होता है, ब्याह जाना कितने पैसे लगेंगे, फीमेल सोच रही होती हैं अच्छा ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, लड़के सोच रहे होते हैं यार इन्ने पैसे लग जाने जानते फिर इन्ने उत्थे देने ने फिर वापस ही आना है तो फिर महीना कहीं चलेगा, ये एक माइंड सेट है। कुछ लेडीज़ भी ऐसे होती हैं, लेकिन अक्सरियत जो फीमेल्स की है ना वो एफ होती हैं, दे आर फीलर्स, वो दिल से सोचती हैं वो। अच्छा, फीलर्स लोग लोगों के मसले सुनना पसंद करते हैं, थिंकर को कोई फिक्र नहीं होती, आप उसके पास मसला लेके जाए हाँ ठीक है एंड वाली गल कर पैसे चाहिए नहीं ठीक है, वो शुरू करेगा ना यार मैं घर बार दिलाए सी तो बड़ा मसला हो गया पैसे चाहिए नहीं, या दे देगा या गोली करा देगा, ये दो काम होंगे डन, आपको पता चल गया आप फीलर हैं या थिंकर हैं डन। हाँ, ये काम पे आप यहाँ पे फर्ज करें कि ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं कोई ऐसा मिसहैप हो गया जो आप चाहते हैं कि हायर मैनेजमेंट को पता ना चले, तो आप किसी को बताएंगे ना, अगर वो थिंकर हुआ वो जाके खुद बताएगा, उसके लिए काम इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई पीपल ओरिएंटेड बंदा होगा एफ, वो कहेगा यार अगली बारी ना करी, इस दफ़ा मैं देख लेना, ठीक है, इनके लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो थिंकर होते हैं, दूसरों के लिए लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा जी, ये मेरे ख्याल में सबसे आसान है, जजर लोग बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, आप इनके कमरे में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा ये जे आई एम पी है, जे बंदा प्लान करता है जैसे आपको ये लेकर आए हैं, तो मेरी इनसे रास्ते में बात हो रही थी, सर आप जे हैं ना, पर्सनैलिटी असेसमेंट की हुई आपने पहले, आप भी हैं। अच्छा, जे बंदे को ना टेंशन लगी होती है, वो कहता है यार उन्होंने आना है, यार वो लेट ना हो जाए, यार सर ने सेशन देना है, अच्छा उसके बाद ये प्लान है ये प्लान है ये प्लान है, अच्छा उनको रुख्सत कैसे करना है, पी बंदा कहता है आ जाओ आ लैन दो वेख लांगे, ठीक है, वो प्रेजेंट मोमेंट में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्लानिंग में और प्रोएक्टिव अप्रोच में वो थोड़ा सा दे लाइक हाँ ठीक है, तो वो ये एक मेजर डिफरेंस है। फिर इनके पास दो ऑप्शन होंगे, जजर के पास, ये फ़ौरन फैसला लेने की बात करेगा, ये कहेगा हाँ ठीक है इनमें से एक कर लो, वो कहेगा और ऑप्शन बताओ और क्या हो सकता है, ठीक है, वो पूरा एक्सप्लोर करेगा, जजर कहेगा फ़ौरन फैसला, ये है फौजी पर्सनैलिटी, ठीक है, मैंने कह दिया है ये होगा ये होगा, वो कहेगा यार थोड़ी देर देख लेने हैं कोई और हल निकल आएगा कुछ कर लेंगे हो जाएगा, ये इनकी कुछ जैसे स्केड्यूल्ड ऑर्गेनाइज्ड प्लान कंट्रोल नाउ वो ओपन होते हैं, ऑप्शंस को आने देते हैं, एंड मोमेंट पे फैसला करते हैं। आप में से जो जो बंदा लास्ट तारीख का वेट करता है ना बिल पे करने का, वो पी है, और जिसको बिल आते साथ ही टेंशन पड़ जाती है ना यार बिल देना है बिल देना है, वो उसके दिमाग से बात ही नहीं निकल रही होती, कुछ तो आदतन ऐसा हो जाता है ना कुछ लोगों को। अच्छा, फिर ये अपने तजर्बे का ये पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे, जैसे लास्ट टाइम कोई विजिट आया होता दैट्स अभी आपका पहला है और ये हमारा, हमने जब से रिज्यूम किया ये पहला है, ठीक है, पहली कॉल मैंने ताज साहब को की, मैंने कहा सर आपने आना है और इनकी मोहब्बत के ये आ गए, पी फ्लेक्सिबल होता है, पी कहता है यार अच्छा यहाँ से फर्ज करें आपका टूर जा रहा है इस्लामाबाद का, तो ये प्लान करेगा भीरा में रुकेंगे फिर कलगहार में टाइम नहीं मिलेगा, वो टाइम देखते हुए प्लान करेगा, पी कहेगा यार 40-45 मिनट भीरा में रुकते हैं थोड़ी रेस्ट कर लें, रास्ते में कलर का हार भी पड़ता है देखते जाते हैं फिर पता नहीं आना है कोई नहीं आना, ठीक है, वो उसके लिए प्लान इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इज़ लाइक यार जब आ गए ना अब हमने इसका पूरा फ़ायदा उठाना है, उसमें टाइम आगे पीछे होता है कोई मसला नहीं, लेकिन जो एक्सपीरियंस हम करने आए हैं उसका फ़ायदा हो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो ये प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करता है, जे की प्रायोरिटीज़ हैं कि टाइम से सब कुछ हो, पी की है यार कि अगर हम आए हैं तो कुछ ले कर जाएं हल याद ना जाए। अब बताएं जी अपनी पर्सनैलिटी टाइप।
इंट्रोवर्ट कौन कौन है पता चल गया आपको क्या है? ESFP बिल्कुल ठीक है। और सर ESTJ वेरी नाइस। और गार्डियन और सर तब ISFP मेरे ख्याल में आर्टिस्ट होते हैं ये लोग आर्टिस्ट होते हैं ना हाँ ENTJ ये मास्टरमाइंड है ना मेरे ख्याल में इसका कमांडर अच्छा 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 ये पर्सनालिटी हमें सर ने रिकमेंड करके दी थी सर ने फाइंड करके दी थी सर कमर साहब से मिले अच्छा 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 कंसल्टेंसी दी हमने ठीक 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 अपोजिट जा रहे हैं तो क्या होगा धमाका होगा सर धमाका मैं सुबह बात कर रहा था कि एक जे के कमरे में एक पी हो साथ हॉस्टल में तो भाई लड़ाइयाँ ये कहेगा यार चीज इतने होनी चाहिए भी कहना कुछ नहीं कमरा बनाइए नाल रख लो कोई मसला नहीं ये चलता है दैट्स पर्सनैलिटी टाइप। और शायद हुसैन भी ऐसी है आप दोनों एक जैसे हो जाएं दोनों इंट्रोवर्ट हो जाएं तो वो फिर लड़ाई ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा आगे चलें ये आपने निकाल लेनी है पर्सनैलिटी बाद में कार्ड हम आपको दे देंगे उसके ऊपर डिटेल लिखी होगी कुछ आपकी पर्सनैलिटी टाइप के बारे में तो माइंड रीडिंग हो रही है बेसिकली यहाँ पर। अच्छा INFJ है कोई आप में से INFJ मुश्किल है नहीं है। अच्छा जरदारी साहब इज INFJ ठीक है। मंडला INFJ एलन मस्क INFJ ये लोगों की कुछ ट्रेट है। अब N है तो क्रिएटिव ज़रूर होगा ठीक है। इंटेग्रिटी ये पीछे रहना पसंद करते हैं मतलब इनकी कोशिश होती है कि लोग इनका फेस बने ये खुद सामने नहीं आते ये बैक एंड पे खेलते हैं। जरदारी साहब फीलर हैं बहुत अच्छे फीलर हैं। फीलर ना होते तो वो बात क्यों करते कि मैं इंट से इंट बजा दूंगा उसे में आगे की थी ना ठीक। वो एन है दैट इज़ विजनरी प्लानिंग कि उन्होंने देखा 10 साल बाद मुझे अपने बेटे को सेट करना है तो वो ले आए ठीक है दैट इज विजनरी प्लानिंग। वैसे वो फीलर है। आप उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत कम जानते हैं दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक लेकिन वो बंदा फीलर है। बाकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं कोई मसला नहीं परसेप्शन चलती रहती हैं। अब आप में से किस किस को ये लगा कि वो एक्सट्रोवर्ट भी है और इंट्रोवर्ट भी है आपको लगा? हाँ बिल्कुल ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं गलत फहमी मैं बताता हूँ क्यों। देखिए आप में से ये इट्स ओके जब मैंने पढ़ा ना मैं उस सीट पे बैठा हुआ था और मैंने इसी हॉल में बैठ के आज से 1 साल पहले ये सीखी थी। उसी दिन साथ थे। उस दिन शाह साहब ने एक सवाल किया था वो सवाल भी आपको याद होगा। अच्छा ये बेसिकली होता ऐसे है कि हमारी एक डोमिनेंट होती है ठीक है। जैसे हमारे कुछ दोस्त होते हैं उनके साथ हम चुप ही नहीं करते दैट्स कि हम उनके साथ कंफर्ट में होते हैं ना हमें पर नया बंदा आ जाए चुप। ये इंट्रोवर्जन है। इनके क्या आप हर बंदे के साथ ही ओपन हो जाते हैं और फौरन 2-3 मिनट में दैट इज़ एक्स्ट्रोवर्जन। इंट्रोवर्ट बंदा बड़े ध्यान से बंदे को समझ बूझ के फिर उसके बाद बात शुरू करता है ठीक है। तो एक डोमिनेंट होगी जो डोमिनेंट है वही आपकी पर्सनैलिटी है। जैसे फीलर हैं वो भी कई दफ़ा दिमाग से फैसले ले लेते हैं लेकिन वो बावजूद इस वजह से होता है कि उन्हें 2-4 धोखे मिल चुके होते हैं ठीक है। उनकी फीलिंग्स का गलत फ़ायदा लोगों ने उठाया होता है उसके बाद वो सीधे हो जाते हैं कि नहीं पायल हॉर्न नहीं जो हो गया वो हो गया अब से मैं दिमाग से काम लूँगा। लेकिन ज़्यादातर आप क्या करते हैं दूसरी बात आप जब अकेले हों फिर क्या करते हैं मतलब खुद को एक क्वेश्चन पूछेंगे अगर आपको ये मौका मिले कि आपने घर में बैठना है या किसी शादी में जाकर किसी नए दोस्तों से मिलना तो इफ़ यू चूज़ सेकेंड ऑप्शन यू आर एन एक्सट्रोवर्ट। तो अगर आप घर रहना पसंद कर रहे हैं तो आप इंट्रोवर्ट हैं। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग हर मौके पर हर फैसला लेने से पहले यार मैं फीलर हूँ या थिंकर हूँ बड़े बोलने नहीं ना देते मसला है ना वो कहते हैं निकल तो कोई काम नहीं है ठीक है। जिसके साथ आपका कंफर्ट है ना अगर आप सिर्फ उसके साथ बात कर रहे हैं तो आप इंट्रोवर्ट हैं उसके साथ आप एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपने पार्टिसिपेट एक ही बात की है और वो बात वही की है जो आपने हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। वो कई लोग ना सिर्फ ज़रूरत के वक्त बोलते हैं
इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की एक और डेफिनेशन ये भी है कि इंट्रोवर्ट टू द पॉइंट बात करता है, वो ज़्यादा बात नहीं करता। एक्सट्रोवर्ट वो बात करेगा, लंबी बात करेगा। वो ये भी इंट्रोवर्टियन की एक टाइप है। क्या एक्सट्रोवर्ट नहीं देखता? ना 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 ना, उसे बंदा चाहिए, उसे बंदा चाहिए, रोबोट बिठा दें, वो बोलता रहेगा। हाँ, और फिर होती है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। अब जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ, देखो बोल बोल के प्रैक्टिस इतनी हो गई कि काम चल रहा है, कम से कम काम चल रहा है, ठीक है। एक एक्स्ट्रोवर्ट होगा, उसके लिए ये मसला नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अच्छा, क्वेश्चंस पे जाते हैं, इसको ज़रा ब्रेक लगाएं। पहले हम ज़रा इस पर बात कर लें कि हमने इसको टीचिंग में कैसे यूज़ करना। ये दो किताबें आउट ऑफ, तो इनमें ISTP है कोई आप में से? ISTP, वैसे तो हमारा माशरा भरा पड़ा ISTP से। अच्छा, अब चूंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी निकालनी सीख ली है, कोशिश करेंगे जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी भी निकाल लें, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे अभी वेरी क्विकली आपको थोड़ा सा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद सब इनके लिए सेपरेट टेस्ट है, उसका नाम है MMTI। वो एक सेपरेट डिस्कशन है, वो जो तकरीबन 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए, वो पेरेंट्स करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और फर्ज करेंगे आपकी क्लास में एक ISTP बच्चा है, ठीक है, उसको कैसे लेके चलना है? या चलें आप पे बात कर लेते हैं पहले कि अगर एक टीचर ISTP है तो वो कैसे पढ़ाएगा। ये अपनी कहानियाँ सुनाएगा, अपने तजर्बे बताएगा, ये कहेगा मैं उठे गया, उठे फिर ये होया, तो ये उसमें से सीखने के लिए ये लेसन है। ये कहानी को एक स्टोरी बनाएगा, मॉरल स्टोरी, और उसके बाद जो मैसेज ये देना चाह रहा है वो इनडायरेक्टली वो पहुंचा देगा। अच्छा, फिर ये पूरे सिलेबस की ना एक लेआउट बना लेते हैं कि यार काम कैसे करना है, उसको हम पहली ये सेंसर्स होते हैं तो डिटेल पे फोकस करते हैं, और सिलेबस को पूरा लेआउट। अच्छा, फिर अपने एक्सपीरियंसेस को क्लास में अप्लाई करते हैं। अगर खुद कहीं कुछ ऐसा लगा कि मैंने इस तरीके से सीखा था और बेहतर सीखा था, तो क्लास को वो खुद करवाएंगे, उन्हें वो प्रैक्टिकली करवा के ये लोग सीखते हैं। अच्छा, फिर इनके लिए तजावीज़ भी हैं, ये बुक इंशाल्लाह मिड जुलाई तक आ जाएगी, अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। इन्हें इनके लिए जो रिकमेंडेशन हैं वो ये हैं कि आप लोग इन्हें बच्चों की एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा करवाएँ, उन्हें मिलजुल कर काम करने दें, सिर्फ क्लासरूम तक उन्हें महदूद ना रखें, ठीक है। इनका इनकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है, ISTP आर वेरी गुड इन ऑब्जर्विंग पीपल, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि अगर आपकी क्लास में कोई ISTP बच्चा है तो उसको पढ़ाना कैसे, इससे टू द पॉइंट बात करनी है, ये पहला लेसन है, ठीक है। ये आपको गूगल से मिल जाएगा सारा कुछ, हमने तो किताबें थोड़ी सी छान के रिसर्च की है, लेकिन आप लिखेंगे ना हाउ टू टीच एन ISTP किड, इस पर इतना काम हो चुका है कि आपको इजीली। अच्छा, ये अब आप सोचेंगे कि क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो सबकी कैसे करें? सबकी ना करें, जिसका सिर्फ मसला आ रहा है ना सिर्फ उसकी कर लें। हाँ, ये स्लो भी करें, बिल्कुल है, उनकी पर्सनैलिटी टाइप आप खुद आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद उनका स्टाइल देख लें कि अच्छा अब इनको कैसे पढ़ाना है। जैसे कि इंट्रोवर्ट बच्चा है, आप उसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें बच्चों के साथ, ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल, ठीक है, उसको इंट्रोवर्ट वाले काम दो, उसे कहें बैठ के आप ये कर लो, ठीक है। अच्छा, फिर अगर ISTP के काम हो रहे हैं तो दखल अंदाजी नहीं देनी, थोड़ा सा डिस्टेंस करना है। एक ना साइकोलॉजी में टर्म यूज़ होती है हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, ये ना हर जगह पे उनके ऊपर खड़े होते हैं बच्चों पर, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, किधर जा रहे हो, तो इससे ना बच्चे नफसियाती मरीज बनते हैं, तो टीचर्स को थोड़ा सा ना गैप देना चाहिए। अच्छा, ऐसे ये चूँकि ISTP आप लोग खुद निकाल लेंगे, जो भी आपका स्टूडेंट हुआ, ये गूगल से आपको इजीली मिल जाएगी। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।